एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए बनाई जा रही है, जो गणित विषय से है और एनसीईआरटी की बुक से प्रश्नावली 3.6 का सवाल नंबर पहले का तीसरा, जो इस प्रकार है। 4x+3y=14 और दूसरा इक्वेशन है 3x-4y=23। इस दोनों समीकरण को किसी भी विधि से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और ये प्रश्नावली 3.6 के स्पेशल और दीर्घोत्तरी यानी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे दूसरे चर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भी बटे में x है और यहाँ भी बटे में x है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 4 × 1, यहाँ पर 1 होगा, 4 × 1 तो 1/x यहाँ पर भी है और 3 × 1 1/x यहाँ पर भी है। तो 1/x = मान लो a और y = मान लो b। यहाँ पर y तो ठीक पोजीशन में है, इसको भी b मान लो। जब इसको a मान रहे हैं इसको तो b मान लो, बाद में ये वैल्यू काम आएगी। तो 4/x यानी 4 को आप ऐसे रहने दो, 1/x की जगह पर a रखना यहाँ पर, तो 1/x की जगह पर आ गया a प्लस 3y की जगह पर आ गया b = कितना 14। यहाँ पर भी आ जाओ, 1/x की जगह पर रहेगा a और जो 3 है ये बाहर रहेगा, -4y की जगह पर b आ गया क्योंकि y की जगह पर b रखना है, ये आपने मान लिया है। इतना इक्वल टू a, इतना इक्वल टू b और इक्वल टू कितना हुआ 23। अब ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम लोग। देखिए, समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए यहाँ अगर ए वाले पद को काटेंगे तो 4 का गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा और 3 का गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा, यानी 4 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे, 3 का गुणा समीकरण नंबर 1 में करेंगे। तो इस बात को यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर 1 में 3 से हुआ तो हो जाएगा 3 चौक 12 प्लस 3 त्रिका 9 भी बराबर 14 42, और इसमें 4 का गुणा होगा तो 4 3 12 माने 4 चौक 16 भी बराबर 23 चौका, यानी 4 3 12 को तो वहाँ से लेख 4 2 8 1 9। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, लिख देंगे घटाने पर। हम इसे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसलिए इसको घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 12 में से 12 घट जाएगा, ख़त्म, ये वाला चिन्ह प्लस होगा तो ये 9 भी और 16 भी हो जाएगा 25 भी। 42 में से 92 घटेगा तो आएगा -50 -50, और दोनों पक्षों में यहाँ पर देखिए 25 है यहाँ 50 है, 25 से करने 25, 25 गुना 50, 25 से 50 काट सकते हैं, लेकिन b = -50/25 लिख लीजिए तब काटिए तो भी अच्छा ही रहेगा, 25 दूना 50 -2 आ गया। अब b का मान समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ऊपर देख रहे हैं आप, 4a+3b=14, तो 4a+3×b, b का मान है -2 = 14। अब देखिए 4a-3 × 6=14, 4a=14, -6 उधर जाएगा +6, 4a = 14 6 20, a = 20/4,
इक्वल टू 5 और b इक्वल टू कितना आया है, -2 आया है। लेकिन हमने माना था कि 1 अपॉन x इक्वल टू ए, तो 1 अपॉन x इक्वल टू ए की वैल्यू 5 आ गई, बटे करके गुणा कर लेते हैं, 5x बराबर 1, x बराबर 1/5। और क्या था, और y की वैल्यू थी b, तो y इक्वल टू आ गया b का वैल्यू -2, तो x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2, यही दोनों इसका आंसर होगा। अब चलिए एक और लगाते हैं, पहले का चौथा करते हैं, पहले का चौथा, पहले का चौथा 5 अपॉन x-1 माइनस 1 अपॉन y-2 इक्वल टू 2। और अगला इक्वेशन है 6 अपॉन x-1 माइनस 3 अपॉन y-2 इक्वल टू 1। अब देखना ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसे भी हम दो चर के रैखिक समीकरण के आसान रूप में इसको पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा कि दोनों समीकरणों में इसमें और इसमें बटे के नीचे एक्स माइनस वन यहाँ भी है, एक्स माइनस वन यहाँ भी है, और देखा जाए वाई वाला पद तो बटे के नीचे वाई माइनस टू यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो दोनों में सेम कंडीशन में दिया है कि इसकी जगह पर आप कुछ और चीज़ मान करके इसको सॉल्व कर सको, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर कोई और चीज़ मान लेंगे। जैसे 5 गुणे 1 है यहाँ पर, तो 1/x-1 इक्वल टू मान लो इस्माल ए, तथा 1/y-2, y-2 की जगह पर मान लो p। तो अब देखो क्या होने वाला है, 5 तो रहेगा ही रहेगा, अब 1/x-1 की जगह पर क्या रहना, a माइनस ये 1 रहेगा ये रहेगा, 1/y-2 जब क्या रखना है, बी रख देना है, बी इक्वल टू 2। समीकरण 1 बन के तैयार। यहाँ पे आ जाओ, 6 रहेगा और 1/x-1 की जगह पर ए माइनस ये 3 होगा, और y-2 1/y-2 को लिखेंगे बी इक्वल टू 1 इक्वल टू +1। समीकरण नंबर 2 हो गया और यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, विलोपन विधि से यदि मैं हल करना चाहूँ तो इसके लिए देख लीजिए आप, यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पे -3 भी है, अगर यह भी -3 भी बन जाएगा तो दोनों को घटाने पर बी वाला पद कट जाएगा। तो इस नाते हम इस समीकरण में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ दो, समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे जब हम, तो 3 5 15 -3 भी बराबर 3 2 6, 15 - 3 भी बराबर 6 होगा, 15 - 3 भी बराबर 6। अब इसके नीचे मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना समीकरण नंबर 2, 6a-3 भी इक्वल टू 1, यहाँ पर 15a रहेगा, अब -3 भी यहाँ पर रहेगा, 6a-3 भी इक्वल टू 1, 6a-3 भी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, घटाने पर मैंने इधर घटाने के लिए ये लिखा ना, गुणा करके जोड़ने पे लिख दिया, यही तो गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर गुणा करके मुझे लिखना था घटाने पर।
गुणा करके घटाने पर। क्यों घटाना है? क्योंकि दोनों चिन्ह सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो दो माइनस चिन्ह को खत्म करने के लिए उसे घटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो 15 में से 6 जाएगा 9 है, और माइनस 3 भी प्लस 3 भी कट गया, 6 में से 1 घट गया 5, तो ए बराबर 5/9 आ रहा है। अब ए का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं या 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है? फाइव ए माइनस बी इक्वल टू टू, फाइव ए माइनस बी इक्वल टू टू, फाइव इंटू ए की जगह पर 5/9 माइनस बी इक्वल टू टू, तो 25/9 माइनस बी इक्वल टू टू, तो माइनस बी इक्वल टू दो, 25/9 इधर जाएगा माइनस 25/9, तो 9 2 18, 18 माइनस 25/9, तो ये जो 18 से 25 जाएगा माइनस 7/9, दोनों ओर का माइनस चिन्ह कट गया, बी बराबर 7/9। अब क्या होना, अब जरा यहाँ देख लीजिए गौर से। आपने लिखा है शुरू शुरू में 1/(x-1) इक्वल टू ए लिखा था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1/(x-1) इक्वल टू ए, 1/(y-2) इक्वल टू बी, तो इसी की जगह पर अब मान रखना है, 1/(x-1) इक्वल टू ए का मान कितना आया? 5/9 आया। ऊपर देख लीजिए, त्रिज्या गुणा होगा 5x-5/9, 1 9, 5x/9 माइनस 5 इधर जाएगा प्लस 5, 5x/9 5 14, x/14 कितना हुआ 5। अब इसी तरीके से यहाँ पर 1/(y-2) इक्वल टू बी था, 1/(y-2) इक्वल टू बी का वैल्यू आया 7/9, तो 7y-7 2 14 = 9, 7y = 9, ये -14 उधर जाएगा +14, 7y = 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 होगा, y = 23/7, तो ये रहा इसका आंसर एक्स का, नहीं वाई का, और ये रहा एक्स का आंसर। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको तो ये दोनों सवाल समझ में आ गए।